सुपौल, मधेपुरा, झंझारपुर से सीमांचल के अनेक हिस्सों से आप यहां आए हैं। आप सभी का यही प्यार, यही विश्वास, यही मेरा खजाना है, यही मेरी कमाई है जो बीते 5 वर्षों में मेरे खाते में जमा हुई है। भाइयों बहनों, ये धरती महान साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु जी की जन्मस्थली भी है। अभी सुपुत्र जी के द्वारा मुझे मशहूर उपन्यास चल मुझे भेंट किया गया। उस मेरा अंचल में लिखा है और बहुत ही सटीक तरीके से फणीश्वरनाथ जी ने लिखा है, मैं साधना करूंगा, मैं साधना करूंगा ग्रामवासिनी भारत मां के मेले आंचल तले, मैं साधना करूंगा ग्रामवासिनी भारत माता के मेले आंचल तले। आप सोच रहे होंगे इस चुनाव सभा मैं फणीश्वरनाथ जी की उनके साहित्य की चर्चा क्यों कर रहा हूं, लेकिन इस वाक्य के पीछे जो भाव है, जो शब्द है, वो हम सबकी प्रेरणा है, महत्वपूर्ण है। भारत माता ग्रामवासिनी मेला अंचल और साधना। भाइयों और बहनों, आज ये पंक्तियां इसलिए भी अहम है क्योंकि कुछ लोगों को आजकल भारत माता की जयकारा पर भी उनके पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं, उनको दर्द होने लगता है। जिन्हें भारत माता से दिक्कत होगी, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे लगाने वालों के साथ जाके खड़े हो जाते हैं, वो भारत के विकास के लिए साधना भी कैसे कर पाएंगे। खुद को मां भारती के लिए खपा भी कैसे पाएंगे। मैं जरा ऐसे लोगों को आज एक करारा जवाब देना चाहता हूं, आप मेरा साथ देंगे? आपकी आवाज उनके कानों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये बोलने वालों के सीने पर आपका एक शब्द पहुंचना चाहिए, उनके कान फट जाने चाहिए। भारत के प्रति उनका जो भाव है उसको गहरी चोट लगनी चाहिए। आप बोलेंगे? बोलेंगे? जोर से बोलेंगे? हाथ ऊपर करके दोनों मुट्ठी बंद कीजिए। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, किसी भी जाति से पहले, किसी भी पंथ से पहले हम भारतीय हैं, हमारी पहचान भारतीय है। मां भारती की सेवा, उसकी साधना की इस भावना के साथ ही बीते 5 वर्षों में पूरी ईमानदारी से मैंने आपकी सेवा करने का प्रयास किया है। इसी सेवा भाव से देश का विकास होता है। वहीं जब
सत्ता भोग और परिवार का विकास ही लक्ष्य हो जाता है, तब हर जगह कलह और बंटवारा ही दिखाई देता है। और बिहार में तो साफ नजर आ रहा है। साथियों, आज देश के एक तरफ वोट भक्ति की नीति है तो दूसरी तरफ देशभक्ति की। आप याद कीजिए, 26/11 को मुंबई में जब आतंकियों ने हमला किया था तो कांग्रेस और उसके साथियों की सरकार ने क्या किया था? तब देश के वीर जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर बदला लेने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने सेना को कुछ भी करने से मना कर दिया, क्योंकि उसे वोट भक्ति की राजनीति करनी थी। साथियों, सबको पता था कि आतंकी पाकिस्तानी थे, कांग्रेस उसके साथियों ने पाकिस्तान को सजा देने के बजाय हिंदुओं के साथ आतंकी शब्द चिपकाने के लिए साजिशों पर ध्यान लगाया, योजना बनाकर जांच की पूरी दिशा ही भटका दी गई। ये भी इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथियों को वोट भक्ति की राजनीति करनी थी। भाइयों और बहनों, देशभक्ति की राजनीति क्या होती है ये आपने पहले उरी के हमले के बाद देखा और बाद में पुलवामा हमले के बाद भी देखा। पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई और फिर एयर स्ट्राइक हुई। परिणाम यह है कि जो पाकिस्तान पहले चोरी और सिनेमाजोरी दोनों करता था, अब दुनिया भर में जाके लहर लहर गुहार लगा रहा है। भारत में आतंकियों को घुसकर मारा भी और पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग थलग भी कर दिया। भाई बहनों, ये घुस करके मारना ठीक ठाक नहीं था, एक घुस करके मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? आप खुश हैं? आप खुश हैं? ये आपका चौकीदार सही कर रहा है? नए हिंदुस्तान के नए तेवरों से आप संतुष्ट हैं? भाई और बहनों, आपने देखा होगा चुनाव शुरू होने से पहले जो लोग उछल उछल करके बोल रहे थे, सबूत मांग रहे थे, मोदी का जवाब मांग रहे थे, दो चरण के मतदान के बाद उनका चेहरा ऐसा ढीला पड़ गया, ऐसा ढीला पड़ गया। और भांति भांति के सवाल खड़े करने वाले लोग, सबूत मांगने वाले सबूत नहीं मांग रहे, एयर स्ट्राइक का जवाब मांगने वाले वो भी चुप हो गए, बम गिरा था कि नहीं गिरा ये भी पूछना बंद कर दिया, बम ने आतंकवादियों को मारा कि नहीं मारा ये भी पूछना बंद कर दिया, कितने आतंकवादी मरे थे, इतने मरे कि उतने मरे ये भी पूछना बंद कर दिया। ये उनकी बोलती बंद किसने की? ये चिल्ला चिल्ला करके महीने से चीख रहे थे
इनकी पोली फिर किसने बंद कर दी? ये हिंदुस्तान के मतदाताओं ने बंद कर दी, पहले और दूसरे चरण के मतदाताओं ने उनके मुंह पे ताला लगा दिया। दो चरणों का जो रुझान आया है उसके बाद आप भारत के वीर जवानों से सबूत मांगना क्यों भूल गए हो? उनको लगता था ऐसी हो हल्ला करके वोट बैंक को जमा कर लेंगे, लेकिन सच को कभी कोई आंच नहीं आती है भाइयों। और इसलिए देश की जनता हमारे साथ खड़ी हो गई और दो चरणों में उनकी जमीन खिसक चुकी है भाइयों। अब तो उनको चिंता है, पहले जितने पार्लियामेंट में थे वो भी पहुंच पाएंगे कि नहीं इसकी फिराक में है, वरना यही लोग थे जो पहले इतना रो रहे थे, हमारे वीर जवानों के पराक्रम पर इतने सवाल उठा रहे थे कि पाकिस्तान ने इन्हें अपना हीरो बना लिया था। साथियों, मैं इन लोगों को आज भी चुनौती देता हूं, हिम्मत है, ये चुनाव में जनता के बीच जाओ और पुलवामा के शहीदों का हमने जो बदला लिया है उसकी जरा चर्चा करके देखो, सेना के पराक्रम पर सवाल पूछ के देखो। मैं चुनौती देता हूं, नहीं बोल पाएंगे साथियों। इसी तरह की वोट भक्ति की राजनीति की गई थी जब दिल्ली के बाटला हाउस में हमारे वीरों ने आतंकी मॉड्यूल को खत्म किया था, लेकिन आतंकियों पर कार्रवाई से खुश होने के बजाय कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की आंख में आंसू आ गए थे। क्या ये उस शहीद का अपमान नहीं था जिसने भट